1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए समना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम देखा सुल्तान, दम देखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगी पोजिशन पर। हमारे
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डिबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोकते और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है गुलबच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नहीं ऐसा सर, अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनकाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जाम कर रहे और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो महमूद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्लाह अपनी जुबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। यकीन कर से कम है मदल्ला। जो बच्चों घर इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर, उस
कंट्री का नाम है सामना, और यहां पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी, मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है, हिंदुस्तान की थी, हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सर आपकी लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम को आवा, दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, छत्री सिंह रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलो, ऑफ कोर्स चांस सिंह साहब, टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। बट सर, रिइंफोर्समेंट्स के लिए हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है, व्हाट कैन वी डू? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब, मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह, कम डोंट बी शाय आउट शट, नथिंग टू वरी अबाउट, क्लोजर closer, come on, a bit closer, a bit more closer, that's perfect. So tum apne senior officer ke hukm mana kar rahe ho? Woh baat nahi sir, mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na, aap afsar log bhi to jaate ho chuti par, पिछले महीने आप ही तो गए थे ना, अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप, बुट्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bhuta! Apologize! Kamala Naman, maafi mangla. Ek! Ding! देखिए क्या स्कैंडल, बोथ ऑफ यू मुझसे बचकर रहना।
उठो। अरे तुम लगी था नहीं, राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह, जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो वीरे, ठीक है तू? ठीक है बॉसी, बॉसी ना मिल, बॉसी ना मिल। क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। कैसी सुनी? इशर पुत्र आ जा, बैठ के कट्ठे रोटी खाने। बाबूजी आ जा, आ जा। इशर पुत्र आ जा, बैठ के कट्ठे रोटी खाने। Thank you.
ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਪੂ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ इस जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं। ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। यार में सिपाही का खून जाता है। मां सुने टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह। गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब। ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर।
सब। थैंक यू चांसलर। सब। इट्स वेरी टेस्टी। थोड़ा और मिलेगा? बिल्कुल सर। थैंक यू। सब आप। सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अगजाए वापस जिंदा ना लौटे। नहीं लौटेंगे साहब, इस बार ही 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह, अगली बार और अगजाए 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे। और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके, एक ऐसी तरकीब जिसे और अगजाए टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर, वी हैव अ लॉट एट स्टेक। यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर। कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी, चल नीचे आ। कारतूस के बिना बंदूक किस काम की, इस दूसरी ही रख लो। पहला फिर दे दे मेरे काम, दूसरी रख लो। बीजी आप रोटी नहीं खा रहे? तो खा भी रहे, मैं बाज खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। इतना अच्छा जाएगा, सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा। और काट लेगा तेरे को। तेरी पोस्टिंग ठीक है? पोस्टिंग ठीक नहीं है बाबा जी। क्यों? अफगानियों का एक कबीला है और अगजाई नाम से, वो सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप समझो बाबा जी, ये रोटी हमारी जमीन है, इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है, साड़ी जमीन पे वो किले है, किला लुकाट ते किला गुलिस्तान। हमारी 36 रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं। लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्तान कर सकता है और गुलिस्तान की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है। ये दोनों की मदद करेगा। तू आजा आजा, रोटी खान दे। तू ही खा पुत्र। जी बाबा जी। जी मैं मिंटू, वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा। आ जाओ फिर रोटी खा ले। नहीं जी, तुसी खा लो जी, मैं नहीं खा। आपको याद है जी, वो मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था, और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने अंबिया चुराई थी। अच्छा वो लस्सी भी पी रही थी कितनी बार। अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा भी रे? हाँ जी हाँ जी, मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में। एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी, कुछ गंभीर मसला लगता है जी। बरनाले से? पर बरनाले में तो बूटा रहता ये पहलवान कौन है? आओ बाबा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बूटा की होया? पुत्र होया भरा जी। वो इतने की होया? वो इतने वो ही खेतों वाले मसले। बैठ जा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ईश्वर सिंह, की हाल है? रब की मेहर जी, थोड़ा आशीर्वाद ने सब ठीक ने। ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਫ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਕੀ ਹੋਰ ਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਔਰ ਅੰਕਾ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਮਾਫ਼ੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਡੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਾਇਆਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੂਬਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ, ਆਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਕੀ ਰਹੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਂਧ, ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਇਹ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले। कुछ हलचल हो रही है। वो कबीले वाले हो रहे हैं। तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। उसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की कर लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख लेते। जिंदा है। क्या करें, औरंगजाई को सारा गड़ी भेज देते हैं। बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिद। मेरी आंख बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा। पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है। जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही हैं। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही हैं। सारा गाड़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सापन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। एलाने जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काटकर अपने शौहर को तिलक करती हैं, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है। उस खून की कसम, इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना होगी सही ना, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये सायदा आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार जी। हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। यह संदेश तो जल्दी ईश्वर भाजी को देना पड़ेगा। पहला झंडा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। दो झंडे मतलब 10 10 12 12000 बंदा है हमारे साथ। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना। जी ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। जल्दी कर स्टार
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route reaching. Thank you, sir. Gurmukh. Haan ji, bhaji. Hamari dono poston par sandesh bhejne hain. Point par jaake do daste aa rahe hain. Hamla jaldi hone wala hai. पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा hold on for 6 hours. Tell Isha to abandon at will. Ajay, Gulista se sandesh aa raha साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। चलो रवड़ी मेरा दस्ता तो आ रहा है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब हिंग को ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। और रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी पाजी एक काम कर, सर। जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसको। जी जनाब। जनाब
पेशावर से ब्रिटेनिया फौज का पैगाम आवे 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए गोरिस्तान सारागिरी और लौका की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहे थे, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं बादशाह, पर खुदा का मेरा हमारे साथ है मैं दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह, वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या फिर? और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे, सबसे पहले सारागिरी, ताकि गुलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। ओए सोना, ओए बाकी 10 तो पे पैगाम भेज दो। गुलबादशाह ने वापस बुलाया है, हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबादशाह ने वापस बुलाया है, वापस चलो। जनाब गुलबादशाह ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है, चलो दोनों को वापस लाओ। बोला ते परा ए यो ना गल ते जीरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो स्कूल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्तान जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा। Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek and Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. Sir. वो देख लिया तुमने? शेट्टी, इतना कम नहीं चलूँगा? मारू लिया, मारू चल में सामने। जी। शेट्टी जी बर, शेट्टी। हजार और अगजाई के सामने एक ही सिख कन हॉकन को SOS भेजो सारागढ़ी को मदद की जरूरत है वो सिर्फ 21 है मेजर साहब का संदेश है साहब सारागढ़ी को मदद की जरूरत है सेंड अ मैसेज टू ईशर सिंह लीव सारागढ़ी इमीडिएटली जी साहब छोड़ दो ईशर पाजी कर्नल साहब का संदेश है सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो लिख के हमारे पास तरकीब है जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं हम पे भरोसा रखें ये भी लिखो हर पोस्ट की जिम्मेदारी जरूरी है ऐसे कम नहीं चलता और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है हर पोस्ट की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए लुकआउट पे औरतें और बच्चे भी हैं कुछ भी हो सकता है पाजी उनका वापस संदेश आया है वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें तू जो आप भेज लोखाट को भेज की अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें ठीक है भाजी कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है हाँ जी पर पाजी हाँ इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा ओए काके ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेने देना ओए हमें के शेर ही बड़े काफी है इसके लिए है कि नहीं बिल्कुल पाजी चल जा जिस संदेश आए तो मुझे बता देना हाँ जी और तैयार हो जा सारे फौजी जल्दी Thank you.
यहाँ से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब। प्लान का अगला कदम उठाने के लिए तैयार। रब रखा, रब रखा। चलो 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 चलो। बंदूक बाजी, रब रखा। और रब रखा। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह। पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था। मैं हमने सोचा था कि हम पुसारा गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगे। और हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे।
पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो और अक्सर को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूक क्या चला रहे हैं। तैयार एक रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुपकर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की एक पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साहब तो मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया है। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragari? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Could have been quiet for some time. Kuldeep Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlon ki wajah se kam nahi karegi. Yes, sir. सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Shut up,
तो हीरा की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था हारे बंदे सारे हैं। रखी है ना उधर जाओ, उधर जाके मिट्टी का तेल फेंके और उधर दो चले। जी साहब। और तीरों की बौछार होने वाली है, सारे बंदे अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ। और जी सुन ले आओ।
जल्दी सारी ताकत एक बार में लगानी है। ईश्वर पाजी फिक्र ना करो, आने तो इनको वापस। इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया। लगता गुलबादशाह की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मरने भेज दिया हमारे अटू। आ गुलबादशाह, तेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा। आओ कमीनो, तुम सबको सबक सिखाना बाकी है। सिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है। ओए दद्दू जी, बाजी अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में गाड़ देंगे। भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतह। भाई कौन पैसा आपने लेकर आ दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं तो का निशान है उन पर लगाया जाए। सही पहचाना गुलबादशाह, एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं। सही पहचाना। ऐशर सिंह गुलबादशाह और जय की लाश को सिख के लिबास में भेजा रहा, वो बेवकूफ बना है। और ये फौजियों को पुतला, रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल, हौसला है उसमें। पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है, वो कैशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से भी तेज चलता है। मान गए गुरु, आपने तो दुश्मन की चाल समझी थी, वरना हम तो बेजुकी की कब्र में फायरिंग करना चाहते थे। अगर हम ऐसा करते तो गुलबादशाह हमारी धज्जियां उड़ा देता। तो बचा लिया आपने, अब आगे क्या है? आगे भाई हीरा सारी तैयारी कर चुका है और जीवानंद मेहर अपनी अपनी पोजीशन पे तैयार है। बाजी तो भी क्यों असला बारूद खराब कर रहे हो गुलबादशाह? मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। मैं बदला
पहली बात तो दुश्मन को पता लगना चाहिए कि हमें उसके जाल का अंदाजा है, और उसको ये भी पता लग जाएगा हमारा ताकत कितना। और अगर इन मुद्दों के पीछे कोई हिंदुस्तानी फौजी छुपा होगा तो उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मसाले ले आया पाजी। बहुत चंगा हुए। सारे बंदर तैयार हो जाओ। जैसे मेरे हुक्म का इंतजार करो। बहुत तेज है ईशा सिंह का, लेकिन वो नहीं जानता कुल बादशाह को रोकने का मुमकिन नहीं। अभी आपकी आधुनिक तरकीब तो काम कर गई। वो इस बार उनकी गिरफ्तार कम हुई है, हम ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि पता नहीं पाजी, कुछ पता नहीं।
आधा घंटा भी लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता। क्या पता, क्या पता? ऊपर वाले कहीं सहारा है अब तो। साहब, गुलबादशाह की फौज आगे बढ़ती जा रही है साहब। उन लोगों ने अब तोपों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से जवाबी गोलाबारी जारी है, लेकिन वो तादाद में कई हजार है और सारागढ़ी पे तैनात है सिर्फ 21 सिख फौजी। जुमा बिन पोजीशन पर रहो और नेशन वर्ड से कोई इंफॉर्मेशन नहीं साहब, अभी तक तो नहीं। वाहेगुरु।
बादल और गहरा है। रब करे सब कुछ और सुंदर भी चंगा कुछ नहीं सुंदर ना धोखा मेरा ना सुंदर कुछ नहीं होना। शर्पा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। दो जिस्म एक जान है, आज तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए पाजी। पर पाजी जो सुंदर में कुछ हो गया ना तो मैं बेबे को क्या दिखाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना ऐसा। ऐसा ना सोच, माए गुरु है साडे नाल। देखना शर सिंह और साढ़े बंदे इस कुल बस्तन पका पका के मारेंगे। कोई नहीं बच सकते, कोई नहीं। मुकाबला बेहद मुश्किल है बाजी। रब पर भरोसा रख, याद ना तेनो एक एक सिख अपनी जगह छोड़ के भागेगा नहीं। जिहाद में बिजहाद ना खोप रहे। पहला मुकाम सारा के नहीं, दूसरा मुकाम औरिस्तान और लोकहाट। अब ये जंग तभी खत्म होगी जब तीनों किलों में हमारा परचम लहराएगा। Thank you.
जाओ बाजी आप लड़ो, जाते क्यों नहीं, फर्ज निभाओ अपना। बाजी आपने मेरे तीर क्यों लिए हैं? राम राम, ये आपकी है बाजी? छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं राम। पेशावर का दस्ता नजर आने लगा है साहब। किस तरफ? साहब दक्षिण की तरफ से। ट्रूप्स के बारे में 3 घंटे और लगेंगे। सेंड अ मैसेज। जी साहब। पेशावर से निकला हुआ दस्ता अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में पहुंच जाएगा। किसी भी फौजी को अपनी जगह सही लगी मोहलत मत देना, जो सर बाहर निकाले वो हमारे निशाने में होना चाहिए।
बूटा राम सुंदर रीना जल्दी आगे तो मेरी बात सुनो पहली कितना आगे पीछे वाला दस्ता सौ बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए नीचे 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 निकले निकले और निकले सबसे बाद उसी पे सलाह शहीद हो गया ये हुई ना बात मेरे भतीजे हमारे एक सिपाही की जान आपने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा सिटी दिया बंदा उनका खत्म कर दिया और किसे लगता है मौत का डर इधर किसे लगता है मौत का डर और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है अच्छा हमारे मन में मौत का खौफ होना तो ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में पानी बह रहा है कोई नहीं बाजी और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है जंग के हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है बंदा है ना कुल बादशाह इसके इरादे नापाक हैं हमारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे बस बच्चों और औरतों के कत्ल करेंगे तो पहुंचते हमारे पास लुकाट तकुलिस्ता टीवी साहब रहते हैं लुकाट में मेम साहब और हमको कैसे मानना है मुझे अपने बच्चों की तरह हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है चाहे हम अपने परिवार की करते हैं करेंगे कि नहीं उन्हें तक दुश्मन को पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा
वहां से कोई शक ये तो साहस है ना मारी नहीं है सच्चे बादशाह की है ये जिंदगी मारी नहीं है कैसे चली गई चली गई कोई मैसेज सारा गरी से नहीं इसका मतलब सारा गरी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है डैमिट to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. Hum dusri paltan lekar sara gari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chalo. जी साहब सारा गरी को हमारी मदद की जरूरत है हम तैयार हैं साहब कला सिंह तुम हर वक्त यहीं रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना जी साहब मैं यहीं मुस्तैद रहूंगा बलविंदर तुम दूसरी दस्ती को मिशन तैयार करो आज यहाँ पे सारा बंदा सुगरू से नहीं है और दादे से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहार से है आज हम सब सरफरोश है हिंदुस्तानी है बोले Thank you.
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। सिमर बाबू आप क्यों परेशान? आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. उठा। मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा। काश मैं उसके साथ होता, तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। इशर बाजी अपने फौजी रास्ते मत पहुंचने वाले। इनकी सपोर्ट फॉर ईच अदर। हाँ सुन, ये तो क्या तुम्हारा गुरूर है? जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। ये दोस्तों को बचा नहीं पाए। बाकी है जीवा, सांस से भी कम है। अरे और गोले भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। ए शेर सिंह, सारे के लिए हार गया। अलग जाइयो करा, अगर स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुश नसीब को नसीब होती है। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने मेरी को जाएंगे। अपना फौजी रास्ता मत पहुंचने वाले।
सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे। लो पाजी, संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। ओए ओए भाई करो, क्या संदेश भेज रहे हैं? छह शून्य अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। मेहर करूं पर मेहर करवाए करो मेरे मालिक। क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काला सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कुरमु की एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु, मेहर करो सब पर।
मेरे जवानों, नाराज नाराम तो तू अब हम 36 रेजिमेंट के सिर पर छह साल फरोश बच गए हैं। अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदार ईशा सिंह। लेकिन अब तुम सब अफसर हो। आज का हुक्म देने वाला कोई है? पिटाई लेने वाला दुश्मन नजारा भी पिता आदमी हमारे सामने। और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम यहां ले जाने नहीं देंगे। गुलबाज का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। Thank you.
फरोशी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यारी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ये करा भाजी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मार दिया।
बेबे तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रख कर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहा नहीं है साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। ऐशर सिंह मोहम्मद, thank you.
ये सारे गरी तेरे लिए हिंदुस्तान है और अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। हवादार ईश्वर सिंह सिंह, ये दर गया तुम्हारा गुरु रॉय हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गए। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गए। ओए ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया, ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देंगे। इसको आपको बहुत खौफ है, अगर इस कमरे में आग लगाती हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा।
और कितना बोसल है दमेश्वर सिंह, कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है? और मैं तेरे सामने खड़ा और तू बोझ नहीं कर सकता। तू हार गए ईश्वर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना, तब तक ये सालगढ़ी हमारी है। अल्लाह अल्लाह तो ठीक है फिर, अपने आखिरी सांस की तैयारी करें ईश्वर सिंह। Listen up!
Let's go inside.